रेडियो 16 डिजिटल में आप तमाम का खैर मकदम है। पिछले कोई 45 साल से मैं उसे के साथ रहा हूं। मैं उनके मुझ पर बहुत सारे एहसान आदि दी। मेरे अदबी सफर में उन्होंने कई मकामात पर मुझे आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की। मैं उनका इंतहाई बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। मुझे सेंट्रल साहित्य अकेडमी का बेहतरीन मुतरजिम का जो अवार्ड मिला, तो सबसे पहले मुझे मुबारकबाद देने वाले नारंग साहब ही थे। और जब भी बेंगलुरु तशरीफ लाते हैं मुझसे ज़रूर कहते हैं कि मैं उनके साथ रहूँ, और एयरपोर्ट में उन्हें लेने के लिए जाया करता। जब मैं दिल्ली गया
दूसरी बार, पहली बार मेरी उनसे मुलाकात मैसूर में हुई थी, उसके बाद दूसरी बार मैं एक दोस्त के यूपीएससी के सिलेक्शन के सिलसिले में दिल्ली गया था, उनका नाम लेना नहीं चाहता। उस वक्त उसकी मुलाकात हुई तो उसके बाद से हमारे तल्लुकात बहुत ही अच्छे हो गए और मैं फ़ोन पर गुफ्तगू होती हमारी, दिल्ली आते हैदराबाद में मुलाकात, दिल्ली में, यहाँ बेंगलोर में, और बेंगलोर जब आते तो जैसा कि हजरतुल्लाह बेग साहब ने अपनी तकरीर में फरमाया, बेंगलोर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, हयात साहब की शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे वो, और मुमताज़ शीरी का भी उन्होंने कई बार नाम लिया है कि मुमताज़ शीरी ने वो काम कर दिखाया, एक रहनुमा की हैसियत थे उन्हें, और उर्दू अदब खुसूसन तनकीदी अदब कभी उन्हें फरामोश नहीं कर सकता। हमीद अलमास को याद करते, अजीज़ुल्लाह बेग को याद करते, शाइस्ता साहिबा के बारे में उसे पूछते कि कैसे हैं वो लोग, क्या कर रही हैं आप लोग, और हमेशा उर्दू की तरवीज बहा के लिए अपनी राय पेश करते, हिम्मत अफजाई करते, नए लिखने वालों को आगे बढ़ाते, मौके फराहम करते और खुलकर दाद देते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि दारक साहब पढ़ते थे। अक्सर बड़े लोगों के बारे में हमने ये सुना है और देखा है कि साउथ के लिखने वालों को ज़्यादा उनकी हिम्मत अफजाई नहीं करते और उनकी तख्लीकत नहीं पढ़ते, मगर नारंग साहब की बड़ी कड़ी नज़र थी और वो जानते थे कि कौन क्या लिख रहा है। साउथ के लिखने वालों में बिलखसूस कर्नाटक के और हैदराबाद के लिखने वालों के बारे में उनकी राय बहुत ही अच्छी थी, मुस्बत राय थी, और कहते थे कि उर्दू जो है जो पल रही है तो कर्नाटक में। उनके इंटरव्यू साहब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्नाटक और खसूस बेंगलुरु के बारे में उनकी राय बहुत ही अच्छी थी। वो कहते थे उर्दू पनप रही है तो कर्नाटक में पनप रही है, नॉर्थ में नहीं है, मगर आपको नाउमीद मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इसमें खुद आगे बढ़ने की ताकत है, इसमें उर्दू में खुद अपने पाँव पे खड़े होने की ताकत है, इसीलिए मैं उसका मातम नहीं करता। न पहले मैं कि उर्दू जबान की ये जुबो हाली पर नौगर था और ना आगे रहूँगा, यही लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, मकदूर रहूँ तो रख साथ रखो नौगर को, मैं गालिब का मिजरा है। वो कहते हैं मकदूर होने के बावजूद मैं नौगर को नहीं रखता, मैं मातम खोला नहीं है उर्दू के बारे में, मैं आम ऑलवेज मेरी ऑप्टिमिस्टिक बोटी, इसलिए कि उर्दू ऐसी है जैसे रिवर थेम्स है, मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, मैं चलती रहूंगी मैं हमेशा, कोई आए ना आई किसी भी चीज में, समबड़ी कम्स विद मी आर नॉट। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था उर्दू को जिंदा रखने के लिए, वो हमेशा कोशिश करते थे उसकी तरीज बका के लिए। बाहर के मुल्कों में, बैर के मुल्कों में भी जब भी जाते तो उर्दू के सफीर की हैसियत से जाते थे, नई बस्तियों में उन्होंने उर्दू का चिराग जलाया, लोगों में दिलचस्पी पैदा की, मुशायरे कराए, सेमिनार कराए, और सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने लिखने वालों के साथ साथ नए लिखने वालों पर भी, जैसा कि शाइस्ता साहिबा ने फरमाया, मीर पर उतना इतना ज्यादा काम किया है, मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है, इतना ज्यादा काम किया है मीर पर, उन्होंने क्या फहरत होती है। और उनके इन अदबी खिदमात के एतराफ पे जब रिटायर हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उनके उस्ताद मौलवी अब्दुल हक उस्ताद थे या कलीग थे उनके उस्ताद, उन्होंने अरमुखाने नारंग के नाम से ये मुजल्ला निकाला जिसमें 40 नाम और लिखने वालों के मजामिन इसमें शामिल है, पाकिस्तान के भी हैं, हिंदुस्तान के भी। कोई ऐसा अदीब उर्दू का नहीं है, अदीब या शायर जिसने नारंग साहब के बारे में नहीं लिखा है, और उनकी तख्लीकात का उस पर जो दमखम है, उस पर तनाव जो है, हमारंगी जो है, उसके बारे में जिक्र ना किया हो। बड़े बड़े चाहे इंतजार हुसैन हो, चाहे यहाँ के मल्ला कमर महमूद अयाज हो, या दूसरे लोगों ने उनके बारे में खुलकर राय दी है, इतना बड़ा फनकार है वो। उसके बाद में कई मिसालें आप उसे तरतीब देंगे तो बहुत सारा जखीरे तो बड़ा जखीरा हो जाएगा उसका। नारंग साहब की शख्सियत तो ऐसी थी जैसे कंजूमर ने वो फतने तनहा उर्दू के काज के लिए डट कर कर किसी की परवाह नहीं करते थे, और आप कहीं भी जाइए उनका नाम जिंदा रहेगा और वो हमेशा जिंदा रहेंगे, और उनका नाम जब तक उर्दू जबान जिंदा है, मेरा ख्याल है, अब मेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट है, मेरी कॉन्फिडेंट अबाउट है कि अयास ये जो है नारंग साहब का नाम उर्दू जबान जब तक जिंदा है उनका नाम भी जिंदा रहेगा। उर्दू अदबी हल्के में तो कोहराम मचा हुआ है, ये समझ लीजिए कि उर्दू की एक दौर खत्म हुआ, एक दुनिया मिट गई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जाने वालों ने या जाने वाले ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा है, उनके जो अदबी कारनामे हैं वो हमारे साथ हैं। एक अच्छे फनकार की बात यही होती है, एक अच्छा इंटेलेक्चुअल जब भी दुनिया से जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, बल्कि वो ज़िंदा रहता है। इसी तरह आज हम जब देखते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनको महसूस करते हैं, उनकी आवाज़ जैसे कानों में गूंजती है, तो
वो बातें उनकी पर्सनालिटी में थी, उनकी शख्सियत में थी कि वो हमेशा हमारे जहनों में रहेंगे, हमारी याददाश्त का एक हिस्सा बनकर चलेंगे। और याददाश्त की जब बात आई तो मैं ये बता दूँ कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, हर एक को बहुत पर नज़र रखते थे। खुद उन्होंने बताया कि बहुत छोटे थे जब जहाँ पर सबक पहला सबक उन्होंने लिया था, तो जब उसके मौली साहब ने कहा कि वो तैयार नहीं थे, डर रहे थे, उसके बावजूद जब पढ़ा तो पूरा सबक उन्हें याद था और इतने और ज़बानी सुना दिया। ये मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि जब भी आप देखेंगे दोस्तों का भी ख्याल रखना, अपनी महफिल को सजाना, एक अच्छे मुंतज़िम होने के साथ साथ बहुत मुहब्बी थे। जब आपने गौर किया होगा कि जिस जलसे में बैठे रहते थे वहाँ पर उनके चाहने वाले उनके दोस्त हों तो जलसे के दौरान उनका नाम ज़रूर ले लिया करते थे, कहेंगे कि राह साहब बैठे हैं, कहेंगे कि अनिस साहब बैठे हैं, और उनकी तारीफ बात बात में कर देते थे। तो ये चीज़ें बहुत बढ़ावा देती थी, इसीलिए उनका उनके फैंस मैं कहूँ कि पूरे दुनिया में मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगे। जो भी फॉलोअर्स होता है, जो भी फॉलोअर्स रहते हैं, उनके लिए एक शख्स जो वाकई एक अपनी अहमियत रखता है, एक इमारत है, एक बुनियाद है, वो क्या दे जाता है ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने तो बहुत कुछ दिया है और नई चीज़ों का इनकार किया है, नई बातें हमें समझाई है, वो बातें जिनको दरीदा की बातें जो हमने आम नहीं थी, उन्होंने अपनी किताबों में लाकर और बार बार उसका जिक्र कर हमें बताया कि डीकंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं। हम तो परेशान हो जाते थे कि साइंस में जो बात होती थी इसको साइंटिफिक वे से देखा गया है कि उर्दू की तहरीर को या उर्दू के अफसानों को डीकंस्ट्रक्ट कैसा किया जाए, उसमें नई बात कैसी लाई जाए। जो बातें मगरब में मशहूर थी, जो बातें यूरोप में कही जाती थी, उनको चाहते थे कि हम लोगों तक पहुँचे और हमारा एक हिस्सा बने। और खसूसी तौर पर अगर आप घर में देखें, दोस्त में हमारे महफिलों में रहते तो एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे मुदब्बिर, एक अच्छे मुकर्रर, बहुत कुछ थे, लेकिन अगर घर की बात देखें तो एक बहुत अच्छे वालिद और एक बहुत अच्छे शौहर थे। जब भी साथ आए, मैंने उनकी बीवी को हमेशा साथ में देखा और बहुत मोहब्बत करते थे। यही नहीं बल्कि उनकी अहलिया को भी उन्होंने हमारे साथ शामिल किया और हम वो हमारी तमाम जिंदगियों में एक अहम शख्सियत बन गई। तो ये बात हर एक के बस की बात नहीं है, जो दिल से अच्छा होता है या जिसका शऊर अच्छा होता है या जो सोचता अच्छा है वो अपने अमली तौर पर भी वो उसको बताए, तब कहीं जाकर वो शख्सियत बड़ी शख्सियत कहलाती है। पर ये खसूसियत हम लोगों ने पहले सुनी थी, देखी थी, किताबों में पढ़ा था, इकबाल के बारे में हो या मौलाना आज़ाद के बारे में हो या सर सैयद के बारे में हो, कि कितने डाउन टू अर्थ लोग हो जाते थे जब वो अदब में आते थे। हमने महमूद अयाज़ को भी देखा है, लेकिन उसके बाद वो भी जब कभी भी महमूद अयाज़ ने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, हमेशा ये कहते थे कि मैंने तो अभी तक मतलब मैंने तो कुछ नहीं सीखा। ये बात हर बड़े शख्स बड़ी शख्सियत में आप पाएंगे। तो वैसे ही नारंग साहब ने भी हमें बातें सिखाई है और आज हम भी ये समझते हैं कि हम तो कुछ नहीं हैं, अल्लाह हमें उनकी तरह बना दे या हम उस तरह सोचने के काबिल भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। खड़ी बोली जिसे कहते हैं, जो उर्दू का सबसे अव्वल रेख्ता और खड़ी बोली वगैरह, वो उसकी बुनियाद ही अमीर खुसरो ने जो शायरी की वो हिंदवी कहते थे उसको, उसके बाद उसको हिंदी कहा, उसके बाद उर्दू पनपी, उर्दू ने फ़रोग़ पाया और उसमें कुछ फ़ारसी के अल्फाज, अरबी के अल्फाज वग़ैरह शामिल होते गए। इस तरह उर्दू ने एक रास्ता इख्तियार किया, अपनी एक रस्म ख़त अपने अपनाया और हिंदी ने एक रस्म ख़त अपनाया। तो इस तरह ये एक ही ज़बान की दो शाखें हैं गोया, हिंदी और उर्दू। इसको गैर मुल्की ज़बान कहना और ये कहना कि ये मुसलमानों की ज़बान है या ये ख़ास फ़िरक़े की ज़बान है, ये बिल्कुल ग़लत बात है। कितने ही मुसलमान ऐसे हैं जो उर्दू नहीं बोलते, उर्दू नहीं जानते, उनकी मादरी ज़बान दूसरी है। कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई आसामी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, वो मुसलमान है। फिर उर्दू मुसलमानों की ज़बान कैसे होगी? ये बिल्कुल ग़लत है। और गोपी चंद नारंग जैसी शख्सियतों ने उर्दू को एक फ़िरकावाना हम आहंगी की ज़बान, हिंदुस्तान की ज़बान, मोहब्बत की ज़बान कहकर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की और करते रहे ज़िंदगी भर।
आज भी आप शिमाली हिंदुस्तान में चले जाइए, जश्न रेख्ता होता है दिल्ली में, तो किसने शुरू किया ये रेख्ता जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, उसके जो पालू हैं, रूहे रवा हैं, वो गैर मुस्लिम हैं। उन्होंने आज जश्न रेख्ता में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में नौजवान, ख़ास तौर पर कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के नौजवान उसमें हिस्सा लेते हैं, शामिल होते हैं और भरपूर हिस्सा लेते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं, एक एक शेर पर दाद देते हैं, वहाँ पर ड्रामे खेले जाते हैं, मुख्तलिफ़ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत संजीदा गुफ्तगू भी होती है। और मुझे याद है जश्न रेख्ता के हर प्रोग्राम में मैं शामिल होता रहा हूँ और कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिसमें डॉक्टर गोपीचंद नारंग मौजूद ना होते हों। उनका एक सेशन हमेशा रहता था, शमसुर्रहमान फारूकी का भी एक सेशन हमेशा रहता था और किसी ख़ास मौजू पर, और लोग उस हॉल में खचाखच भरा होता था हॉल जब गोपीचंद नारंग का नाम आता था या शमसुर्रहमान फारूकी का नाम आता, लोग उसका इंतज़ार करते रहते थे। तो आज जो है हिंदुस्तान में दरअसल उर्दू को सियासत का शिकार बनाया गया है और कुछ हैं फिरके और कुछ ग्रुप इंतहा पसंद लोग खामखा उसे मुसलमानों की ज़बान मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और ख़ुद मुसलमानों ने उर्दू के साथ अपना रवैया कौन सा अच्छा रखा है। हमारे वालिदैन जो उर्दू तलबा जो तलबा हैं उनके वालिदैन ख़ुद नहीं चाहते कि उनके बच्चे उर्दू पढ़ें, वो कहते हैं कि हमें उर्दू नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों को हिंदी पढ़ाइए, अंग्रेज़ी पढ़ाइए, क्योंकि उर्दू में कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये भी बिल्कुल एक सरासर बहतान है, झूठ है। हमें से जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम सब ने उर्दू ज़रिए तालीम ही से अपनी तालीम का आगाज़ किया और अपने अपने मैदानों में हमने माशाल्लाह कोई बहुत बुरा हाल तो नहीं है हमारा। ही मैंने आज अपने तलबा से बात की, मैं मुबारकबाद देता हूँ अलमीन कॉलेज के मैनेजमेंट को कि उन्होंने इस तरह का एक जलसा मुनाक़िद किया, और इसको होता रहना चाहिए, इस तरह के जलसे मुनाक़िद होते रहने चाहिए ताकि लोगों के जहनों के जो गर्द जमे हुए लोगों के जहनों में वो साफ़ हो जाए और उनको मालूम हो कि उर्दू की दरअसल हैसियत क्या है, हकीकत क्या है, और उर्दू ज़बान के अंदर उर्दू अदब में जो ज़ख़ीरा मौजूद है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अब ये ज़ख़ीरा अगर लोग पढ़ने वाले नहीं रहेंगे तो ज़ख़ीरा लेके क्या करेंगे। मैं चाहूँगा कि अलमीन कॉलेज या कच्ची लाइब्रेरी भी यहाँ क़ायम करें जहाँ उर्दू की अच्छी किताबें रखी जाएँ, रसायल मंगवाए जाएँ ताकि तालिब इल्म उनको पढ़ें, और बल्कि तालिब इल्म भी नहीं बल्कि स्टाफ के जो फैकल्टी के जो अहबाब हैं वो भी उनसे फैज़ हासिल करें और अपना रिश्ता उर्दू से जोड़े रखें, और यही बात हमको फैलाने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा इस बात की भी ज़रूरत है कि गैर उर्दू दान तबके को उर्दू सिखाई जाए। ऐसे बहुत से अहबाब हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई बहुत अच्छा मुनज़्ज़म इदारा ऐसा नहीं है जो सिर्फ ये काम कर सके। जदीद तर्स से, साइंटिफिक अंदाज से, जिस तरह अलायंस फ्रांसे में फ्रेंच ज़बान सिखाई जाती है या जर्मन ज़बान उनके इसमें सिखाई जाती है, उस तरह का कोई इदारा होना चाहिए, कोई इंतज़ाम होना चाहिए जहाँ पर साइंटिफिक तरीक़े पर उर्दू को सिखाया जा सके। अब नए नए जदीद तरीक़े आ गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है और उसको बहुत अच्छे अंदाज से सिखाया जा सकता है, और इसलिए भी कि लोग सीखना चाहते हैं, कन्नड़ वाले ख़ास तौर पर उर्दू सीखना चाहते हैं, कन्नड़ में वो उर्दू गज़लें लिख रहे हैं और उर्दू को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और बेंगलोर में एक ऐसा तबका भी है जो शिमाली हिंदुस्तान से यहाँ हिजरत करके यहाँ मुखीम है, यहाँ पर अपने रोज़गार के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में यहीं के होकर रह गए हैं, वो लोग भी उर्दू के करीब आना चाहते हैं, उर्दू से आशनाई चाहते हैं। हमारी कोताही है कि हम उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हमने कोई इस तरफ तवज्जो नहीं की, काम नहीं किया, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। हिंदुस्तान में अगर
डॉक्टर गोपी चंद नारंग जो है हमेशा ये बात कहते थे और कहीं लिखा भी, उन्होंने इंटरव्यू में कहा भी है कि उर्दू वालों ने हिंदुस्तान में अपनी कोई तहरीक आज तक नहीं चलाई, उर्दू के हक़ में, उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोई तहरीक नहीं चलाई, ये लिखा उन्होंने। और उनका इसरार था कि अगर इस तरह की तहरीक शुरू की जाए, नौजवान उसमें शामिल हों, तो यकीनन उर्दू को यहाँ पर बचाया जा सकता है, बाकी रखा जा सकता है। और इससे उर्दू से ज़्यादा हम जो उर्दू से फ़ायद हासिल करना चाहते हैं उनका फ़ायदा है इसमें, उर्दू का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। डॉक्टर जो गोपी चंद नारंग उर्दू के मशहूर अदीब और नक़ाद थे और पिछले 15 जून को वो इंतकाल कर गए, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की खबर थी और हमने उसको जो है हमने उसका महसूस किया, क्योंकि वो आलमी शख्सियत थी, पूरी दुनिया में इस वक्त आलमगीर शख्सियत थी कि उर्दू का तारुफ उन्होंने नई उर्दू की नई बस्तियों में करवाया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत बड़े एजाजात से नवाजे गए थे। वो कोई ऐसा बड़ा इनाम नहीं था कि उनको नहीं मिला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, न सिर्फ दोनों मुल्कों के बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू की नई बस्तियाँ कायम हुई हैं वहाँ पर जो है उनको आपको एजाजात से नवाजा गया, आपने उर्दू का तारुफ उन मकामात पर किया। हमारे अलमीन की ये खसूसियत ये है कि हम लोग जो भी बड़ी शख्सियतें हैं, जो मोहसिनीन हैं, उनके एहसान को हम याद करते हैं, हमारे बच्चों तक उनके एहसान को जो है बताते हैं कि उनके क्या कारनामे हैं, क्या कारनामे अनजान गए हैं। मोहसिनीन को याद करना ये जो एहसान है वो हमारा हमको करना चाहिए, वरना जो है अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पैदा करना बंद कर देता है। तो इस तरह से हम शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी साहब के सिलसिले में भी 2 साल पहले जब उनका इंतकाल हुआ तो हमने एक ताज़ियती इजलास यहाँ पे किया था, बहुत से लोग यहाँ पर शरीक थे, बहुत से उर्दू के नक़ाद शोरा पर आए हुए थे और उनके ताल्लुक़ से जो है बयान की थी, तकरीर की थी, हमारे तलबा को जो है एक मैसेज दिया था उन्होंने। तो इसी तरह से ये गंगा जमनी तहजीब की अलामत है, आप जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है उसको बहुत ही बड़े मौसर अंदाज से जो है बताया कि ज़बान किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती, ज़बान हर एक की है। यहाँ पर हिंदुस्तान में ये जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है, उसको बड़े ही पुर असर अंदाज से उन्होंने पेश किया कि अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर आप उर्दू के प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट को इस तरह मजबूत किया कि दूसरे डिपार्टमेंट फीके पड़ गए और ये डिपार्टमेंट सामने चलने लगा था, इस तरह की उन्होंने ये की थी। तो अब उन्होंने किसी से उर्दू ज़बान से इतनी वालिहाना मोहब्बत थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिट से आपकी मोहब्बत थी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से आपकी मोहब्बत थी, आपने नई नस्ल को, बहुत से हमारे नौजवान नस्ल को जो है उन्होंने परवान चढ़ाई और बड़े बड़े उदबा और शोरा बना के उनको उन्होंने छोड़ा, उनका बड़ा एहसान है। तो हम लोग उनकी याद में जो है आज एक जलसा जो है मुनक्किद किया था, ताज़ियती जलसा, हमारी नई नस्ल को बात पहुंचाना चाह रहे थे, उनके मज़ामीन, उनकी किताबें, उनके जो कारनामे जो इल्मी और अदबी हैं उसको हम नई हमारे तलबा और तालिबात तक पहुंचाना चाह रहे थे और उनके लिए ताज़ी जलसा करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि उतनी बड़ी शख्सियत जो उर्दू के लिए सारी ज़िंदगी थे उर्दू की खिदमत करते रहे, तो ये हमने किया है।